और इस बीच आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है, इस हिंसा को लेकर के हमला बोला है, तब जबकि फडणवीस सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी आरएसएस की सोच दलित समाज के खिलाफ है, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया और आ रही है सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। बड़ा हमला बोला है, महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर कहा है कि बीजेपी आरएसएस की सोच दलित समाज के खिलाफ है। तो महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर जो बवाल है उसमें अब कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। राहुल गांधी ने सीधे बीजेपी और आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए हैं और कहा है बीजेपी और आरएसएस की सोच दलित समाज के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का यह तीखा हमला तब जबकि देवेंद्र फडणवीस सरकार पर बड़ा भारी दबाव है कि यह मामला और ज्यादा विकराल रूप ना ले ले, और ज्यादा बिगड़े नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी दलित समाज का विकास नहीं चाहते, बीजेपी आरएसएस की सोच दलित समाज के खिलाफ है। तो महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर बेहद तीखा हमला राहुल गांधी का और सीधे निशाने पर प्रदेश की बीजेपी सरकार और साथ ही आरएसएस पर दलित समाज का विरोधी होने का लगाया आरोप। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।